आज हम बना रहे हैं कढ़ी, वो भी गुजराती कढ़ी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और चटपटी टेस्टी लगती है। जिसके लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है। अगर एक कटोरी दही है बिल्कुल नाप के साथ डालें तो 1/4 भाग उसी कटोरी से बेसन ले लें, यानी कि 2 चम्मच बेसन 1/4 भाग हो जाता है। और इसके साथ सबसे पहले हम बटर मिल्क घोल बनाएंगे बेसन और दही का। और एक कटोरी अगर आपने दही लिया है तो उसका 3 कटोरी पानी नाप के रख लें। पहले इन सारी चीज़ों का एक हम बेस बना लेते हैं, घोल बना लेते हैं, फिर बाकी का सारी चीज़ें बाद में करेंगे। दही को सबसे पहले हम छान लेते हैं, इससे एक तो ये लम्स फ्री हो जाएगा और जो हम कढ़ी बनाएंगे वो बिल्कुल एकदम से प्लेन और स्मूथ बनेगी। दही को मैंने छान दिया, ये देखें बिल्कुल एकदम से स्मूथ दही हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बेसन रखा हुआ है बेसन को इसके अंदर मिला देंगे। अब ये छलनी हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि छौंके में जब हम डालेंगे ये सारा घोल तो उसको भी छान के ही डालेंगे। ये 3 कटोरी पानी है जिसको मैंने नाप के रख लिया, इसको इसके अंदर डाल दें और अच्छे से मिला दें। अब ये हमारा एक तरह से बटर मिल्क तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हींग डाल दें। कुछ हींग हम छौंके में भी डालेंगे, थोड़ी सी हींग हम इसके अंदर भी डालेंगे। इससे चीज़ें क्या डाइजेस्टिव हो जाती हैं और खाने में आसानी रहती है, पाचन में अच्छी रहती है। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे है, नाप के डालेंगे तो सब कुछ अपने आप बिल्कुल सही बनेगा। अब हम कढ़ी का छौंका तैयार करते हैं। हम छमक के ही कढ़ी रखेंगे, बाद में कोई छौंका नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे एक तो छौंका भी बहुत अच्छे से पक जाएगा और कढ़ी के अंदर उसका सारा स्मूथ टेस्ट भी आएगा। अब ये मैंने 1 टेबलस्पून घी गरम कर दिया है। घी गरम करने के बाद इसके अंदर जीरा डाल दें, थोड़ी सी ये राई जिसको सरसों के बीज भी कहते हैं वो डाल दें, और साथ में ये बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा टच मेथी दाने का दें। अब इसके अंदर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, सिर्फ ये मैंने 2-2 लिए, दो ये हरी मिर्च है जिसको मैंने लंबा लंबा काट दिया, ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये सारी चीज़ें अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। और ये कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, और साथ में फिर डालें थोड़ी सी हींग। अब हमारा तड़का बहुत अच्छे से तैयार हो गया। ये जो हमने बटर मिल्क, दही और बेसन का घोल बना के रखा, इसको अब हम इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन छान के डालेंगे। उसी छलनी को ले लें और उसी से छान लें। अब ये सारी चीज़ों को हमें फ्लेम हाई करके एक बार अच्छे से बॉयल दिलवाना है, जिससे कि ये अच्छे से बॉयल आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्लेम लो करके 10 से 15 मिनट के बीच में पकाएंगे। मैं आपको कढ़ी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये ऐसी है बिल्कुल पतली, क्योंकि अभी ये हमारी 10-15 मिनट पकेगी तो बिल्कुल सही आ जाएगी। ये देखिए, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक आप इसको हिलाते रहें। कढ़ी में बॉयल आ गया, फ्लेम को लो कर दें। अब ये गुजराती कढ़ी है तो इसमें चीनी बहुत ज़रूरी है, इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ।
अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच में एक दो बार चला देंगे। हमारी कढ़ी बहुत अच्छे से पक गई है। मैंने इसको लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं किया, नहीं तो फिर ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी। अभी मैं इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ इसको धनिया पत्ते से गार्निश करना है और फिर इसको सर्व करना है। अब गैस भी बंद कर दें। ये ऐसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, हमारी गुजराती कढ़ी बनकर तैयार है। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ी, जिसके लिए मैंने एक कटोरी दही, आधी कटोरी बेसन, सौंठ पाउडर, हल्दी और ये 6 कटोरी पानी। अगर आप एक कटोरी दही लेते हैं तो 6 कटोरी पानी लें, जिसको मैंने नाप के रख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे जिसके अंदर हमें बनाना है, उसके ऊपर एक ये छलनी लगा दें और ये दही, दही को हमेशा छान के डालें। इससे आपकी कढ़ी बिल्कुल प्लेन और स्मूथ बनेगी और अगर बीच में एक आध बार हिलाने से हम चूक भी जाएं तो उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, इससे ये फ़ायदा रहता है। इसी का ही थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके हम इसको दही को छान लेंगे। इतना पानी यूज़ करके मैंने दही को छान लिया। अब जो हमारा आधी कटोरी बेसन है आप इसको इसके अंदर डाल दें और पहले इसको यहीं पर ही लम्स फ्री बना लें। अब इस पानी को इसी छलनी में छान दें। अब हमारा लम्स फ्री घोल तैयार है। इसमें हल्दी डालें, सौंठ पाउडर स्वादानुसार, इन सबको मिलाएं और अब हम इसको गैस पे रख के अच्छे से पकाएंगे। जब तक कढ़ी में बॉयल ना आ जाए तब तक आप इसको बराबर चलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसको अभी छोड़ देंगे तो ये सारी एकदम से लम्स वाली कढ़ी बन जाएगी और जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बॉयल आने के बाद फिर हम इसको फ्लेम को लो करके फिर पका लेंगे और बीच में एक दो बार चला देंगे। कढ़ी में बॉयल आ गया, अब फ्लेम को लो कर दें और अब हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे और बीच में एक दो बार और चला देंगे। जब तक हमारी कढ़ी बन रही है तब तक हम अपनी कढ़ी की पकौड़ियाँ भी बना के रख लेते हैं। कढ़ी को हमारे बनते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं, अब लगभग ये बनने ही वाली है, तब तक हम अपनी पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़ियों के लिए मैंने एक कटोरी बेसन ली है, जिसके अंदर हम ये स्वादानुसार मसाले डालेंगे, सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये अजवाइन। पकौड़े बनाएं तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, अजवाइन और ये नमक स्वादानुसार, और इसके साथ डालेंगे थोड़ी सी हींग।
सब चीज़ों को मिला के एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। इस पेस्ट को हमें पतला नहीं करना, गाढ़ा पेस्ट रखना है क्योंकि पकौड़ियाँ तभी सही बनेंगी। मैंने बिल्कुल ऐसा गाढ़ा पेस्ट बनाया है, बिल्कुल ऐसा थिक। अब मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी जिससे कि हमारा बेसन हल्का हो जाए और जब हम पकौड़ियाँ बनाएं तो वो अच्छे से फूल के और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने। बेसन को मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब ये देखें, अब ये ऐसी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं। तेल मैंने गरम करना रख दिया। ज़रा सा ऐसे पानी से हाथ गीला कर लें, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़रा सा पानी से हाथ गीला कर लें, उससे क्या बेसन में सॉफ्टनेस आ जाती है। देखें हमारी पकौड़ियाँ कैसे फूल रही हैं। देखें, क्योंकि हमने इसको बेसन को बहुत अच्छे से हल्का कर लिए, इसी कारण ये हमारी पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल गई हैं। शानदार, हमारे कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं और उधर से हमारी कड़ी भी तैयार हो गई है। अब हम इसको छौंका लगाएंगे। घी गर्म हो गया, छौंके के लिए जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च स्वादानुसार, और थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर रही हूँ, इससे क्या कलर बहुत अच्छा आता है। और नमक अभी तक हमने नहीं डाला, नमक आप कड़ी में डाल दें। हमारा छौंका भी बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने ये पकौड़ियाँ बना के रखी हुई हैं इनको इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर ये छौंका स्प्रेड कर दें। हमारी शानदार कड़ी पकौड़ी बनकर तैयार है। आप इसको चावल के साथ, चपाती, परांठा, जिसके साथ भी आपका मन करे उसके साथ इसको सर्व करें। थोड़ा सा इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर दें।